क्रिकेटर रोहित शर्मा आज टीम इंडिया के कैप्टन हैं। उनकी गिनती दुनिया के धाकड़ बल्लेबाजों में होती है। रोहित के नाम वनडे क्रिकेट में 3 दोहरा शतक ठोकने का रिकॉर्ड है। इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ साथ रोहित का आईपीएल में भी बड़ा नाम है। बीते 15 साल की आईपीएल हिस्ट्री में इस खिलाड़ी ने एक दो नहीं बल्कि पूरे 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी मुंबई इंडियंस को जिताया है। अक्सर फैन से लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट्स तक उनकी बैटिंग के क्लास की तारीफ करते हैं, पर एक समय ऐसा था जब ये खिलाड़ी पाई पाई के लिए तरसता था। ये हम नहीं कह रहे, इस बात का खुलासा उनके बचपन के दोस्त और साथ आईपीएल खेल चुके पूर्व क्रिकेटर प्रज्ञान ओझा ने एक मीडिया इंटरव्यू में किया है। नमस्ते, मैं शिवम हूं और आप हैं मंच पर। प्रज्ञान ओझा ने बताया कि रोहित मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे। रोहित के पिता की कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए क्रिकेटर बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए रोहित अपने दादा के साथ रहते थे। कम ही लोगों को शायद ये बात पता है कि रोहित ने क्रिकेट किट खरीदने के लिए दूध तक बेचा था। अब जब मैं उसे देखता हूं तो मुझे उसके सफर पर गर्व होता है। वर्ल्ड क्रिकेट में फैंस रोहित शर्मा को हिटमैन के नाम से बुलाते हैं। इसकी वजह यह है कि इस खिलाड़ी ने अपनी बल्लेबाजी से बड़े बड़े टारगेट को बौना और विरोधी गेंदबाजों के अंदर डर पैदा किया है। रोहित टीम इंडिया के लिए ओपन करते हैं, जिस वजह से उनके आंकड़ों में काफी फर्क देखने को मिला है। रोहित के नाम T20 में सबसे ज्यादा 4 सेंचुरी, वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 3 बार डबल सेंचुरी और ICC टूर्नामेंट्स में सबसे ज्यादा 6 शतक मारने जैसे कई रिकॉर्ड शामिल हैं। रोहित शर्मा के इंटरनेशनल क्रिकेट में 15 साल पूरे हो चुके हैं। उन्होंने जून 2007 में आयरलैंड के खिलाफ डेब्यू किया था। तब से लेकर अब तक रोहित ने अपने 49 टेस्ट मैचों में 45.66 की औसत से 3,379 रन, वनडे में 243 मैचों में 48.64 की औसत से 9,825 रन बनाए हैं। वहीं 148 T20 मैचों में रोहित ने 30.82 की औसत से 3,853 रन बनाए। इसके अलावा आईपीएल में इस खिलाड़ी ने 227 मैचों में 30.3 की औसत से 5,879 रन बनाए। साल 2021 में विराट कोहली ने टीम इंडिया की कैप्टेंसी छोड़ी थी। उसके बाद से टीम की कमान रोहित के कंधों पर है। हाल ही में रोहित की कैप्टेंसी में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक बॉर्डर गावस्कर सीरीज जीतकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई है। इसके अलावा रोहित 2013 से आईपीएल में मुंबई इंडियंस की कमान संभाल रहे हैं। इन बीते 10 सालों में रोहित ने मुंबई को 5 बार खिताब जिताया है। 2023 का आईपीएल सीजन 31 मार्च से चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के मैच से शुरू हो रहा है। कौन जीतेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी के लिए स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।